फरुखाबाद जिले में देर रात कंपिल थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद होने के दौरान जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर व गोलियां चली। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोगों की हालत गंभीर है। वहीं घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी। ये कमी की हमारा भतीजा खत्म हुआ था वहाँ, उसकी कमी में हम लोग वहाँ बैठे थे और इनसे थोड़ा विरोध चल रहा था। किससे चल रहा था? ये रामचरण और पप्पू और रजनेश लोगों से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने आगे गाली गलौज की, हम लोगों ने मना किया, फायर कितने कितने करे? रजनेश और पप्पू और तीन लोग थे। तो गोली किसी की लगी है? गोली लगी किसी के? गोली तीन के लगी, तीन लोगों को लगी है। तीन लोगों। अच्छा, फिर वहाँ कैसे बच गया ये लोग, वहाँ से बचे? तो पूरे मतलब जमीन हम लोग वहाँ बैठे थे, दस पंद्रह लोग। क्या तुम्हारा उनसे पहले पूर्व में विवाह चला आ रहा? पहले एक भाई की गोली मारी था 6-7 महीने पहले, आज दोबारा फिर ये कांड कर दिया। कई राउंड फायर हुए, कुछ जानकारी हुई? कई राउंड फायर हुए? 7-8। मैं गाड़ी लेके जा रहा था, वहाँ पर इनके मामा थे। किसके मामा? राजे इनके, अतुल के। हाँ, वहीं पे जाकर गाड़ी खड़ी करके उनके पीछे पीछे मैं तो जा रहा था। उधर मेरे पापा आ रहे थे, गोली वाली उनके पापा ने मेरे को हाथ में भाई पर मार दिया। अच्छा, 6-7 महीने रास्ते का विवाह था, तभी मेरे चाचा की गोली मार दी थी, उसमें फैसला हो गया था। अब ये 17 तारीख को आए, उन्होंने गाली गला चुकी, पापा ने 112 नंबर कॉल की, उन्हें गिरफ्तार करा दी। 15-20 मिनट के बाद छुटकी दोबारा आ गए, फिर इन्होंने फिर दोबारा गाली दी, फिर थोड़ी देर बाद सब लोग सो गए। फिर ये कल आए, इन्होंने दारू पी थी, कल गाली दी। पापा ने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने फिर गाली दी। गाली देने के बाद ये चले गए सोतेपुर। सोतेपुर से दो लड़के लेके आए, रंजीत और जितेंद्र सर, तभी गोली चली गई। पर इन्होंने रामचरण ने फायर किए, तभी मेरे पापा ने फायर किए। ये आज रात को 9:30 बजे करीब PRV पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हजियापुर जो कि थाना कंपिल के अंदर है, वहाँ पे फायरिंग की सूचना हुई। जब मौके पे गए, जो PRV मौके पे पहुँची, तो जो कॉलर था उनके द्वारा बताया गया कि गांव में जो उन्हीं के पड़ोसी हैं और उनके चाचा ताऊ लगते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है और उनके जो पिता हैं रामचरण यादव, जिनकी उम्र करीब 47 साल है, उनको इन लोगों ने पहले डंडो लाठी से पीटा है और साथ ही साथ उनकी गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। मौके पे मेरे द्वारा और CO कायमगंज और अन्य हमारा जो पड़ोस था उसके द्वारा वहाँ जाकर जांच की गई और जो घटनास्थल का निरीक्षण है वो किया गया है। वहाँ पर जो फील्ड यूनिट थी उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। उसी टाइम पर साथ में सूचनाएँ प्राप्त हुई थी कि जो दूसरा पक्ष है उसके भी तीन लोग जो हैं वो कि यहाँ पे, जिनका नाम WF दीपक और एक ब्रजलाल जो कि ऑटो ड्राइवर था और एक अतुल, उनके भी गोली लगी है। उनमें एक के पाँव में और एक के हाथ में गोली लगी है, ये दोनों खतरे से बाहर हैं। और तीसरा जो WF दीपक है उसके कंधे के पास में गोली लगी है, उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके अंदर जो प्राइमा फेसे अभी तक बात सामने आई है वो ये है कि दोनों पक्षों के बीच में पहले से ही एक जो चकबंदी को लेकर एक विवाद था, और अभी तक जो चीज़ पता चली है उसमें ये है कि आज दिन में इनके, आज शाम में इनके बीच में विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनके ऊपर चढ़ाई करके जो रामचरण परिवार इनके साथ मारपीट करी और साथ में उसको घेर के उसके साथ लाठी डंडों से उसको पीटा और तमंचों से उसके ऊपर फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और जो घायल है उनका उपचाररत है और साथ ही साथ इसमें इंट्रोगेशन किया जा रहा है और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर FIR दर्ज कर आगे बढ़े।